भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे रविवार 24 सितंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 6 साल बाद इस मैदान पर आमने सामने होंगी। इससे पहले दोनों टीमें पहले वनडे में मोहाली में भिड़ी थी। उस मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से बाजी मारी थी। तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। जानिए दूसरे वनडे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बॉलिंग काफी कमजोर लग रही थी। टीम सिर्फ एक मुख्य तेज गेंदबाज और मुख्य स्पिनर के साथ उतरी थी, बाकी सभी ऑलराउंडर थे। ऐसे में दूसरे वनडे में टीम गेंदबाजी विभाग में बदलाव कर सकती है। दूसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में जोश हेजलवुड और तनवीर सांधा की एंट्री हो सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में ऐसे तो बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन रविवार को यहां हल्की बारिश की उम्मीद है। साथ ही मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। ऐसे में शुरुआती ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। हालांकि गेंद पुरानी होने के बाद रन बनाना आसान हो जाएगा। भारतीय टीम एक बार फिर अपने स्टार खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरेगी। फिर भी केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इस मैच में फेवरेट रहेगी। हालांकि कंगारू उलटफेर कर सकते हैं। मैच में इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम कड़ी टक्कर दे सकती है। चेस करने वाली टीम के जीतने के ज्यादा चांस हैं। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विकेटकीपर कप्तान ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी।